हेलो दोस्तों, मैं विभा, आपका अपने फ्लेवर फिश 24x7 चैनल में स्वागत है। आज हम आपको गोल वाले बैंगन भर के बना करके दिखाएंगे, वो भी जो बिना लहसुन प्याज के बनेंगे, बहुत ही टेस्टी मसाले के साथ में। तो इनको कैसे बनाएंगे, कौन से मसाले डालेंगे, चलें किचन में आपको दिखाते हैं, बताते हैं नई ट्रिक और टिप के साथ में। तो देखिए कितना अमेजिंग तरीका है। आपको हमने बताया था कि गोल वाले बैंगन से हम आपको भर के बैंगन बनाने वाला दिखाएंगे, वो बिना लहसुन प्याज के। अब बहुत घर में मंगलवार शनिवार को नहीं खाते हैं लहसुन प्याज, किसी किसी के घर में बिल्कुल नहीं खाते हैं, तो इसलिए आपको हम बता रहे हैं, यदि आप चाहें तो लहसुन प्याज का यूज कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे कट करेंगे आपको दिखाते हैं। अब इसको हम इस तरीके से लेंगे और इसमें इस तरीके से कट लगा लेंगे। ये देखिए, इसको हम इसी तरीके से रखेंगे। आप देख लीजिए, कोई कीड़ा वीड़ा नहीं, इधर ये कीड़ा नहीं है, ये थोड़ा सा इसकी बनावट है। आपको ये देखना है कि आपको स्लाइस कितनी मोटी रखनी है। अगर आपको स्लाइस इतनी मोटी रखनी है तो आप इसी के हिसाब से थोड़ा सा आप निशान लगा लीजिए और कट कर लीजिए। इसको थोड़ा सावधानी से आपको कट करना है, इसको अलग कर लीजिए। थोड़ा सा डंठल भी अगर आ जाता है तो आप आने दीजिए। और इसके बीच में हम पहले तो आप इसको हटा दीजिए, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा हटा दीजिए, जिससे कि बैंगन साफ लगने लगे। और इस तरीके से चाकू रख करके बीच में हम एक पतला सा कट लगा देंगे। ये देखिए, ऐसे लगाना है आपको कि आपका बैंगन अलग ना हो और इसी में जुड़ा हुआ रहे। यदि आपका मोटा बैंगन है तो आप दो जगह से कट लगा सकते हैं, लेकिन एक ही जगह से लगाइए और थोड़ा पतला स्लाइस रखिए। जैसे ये हमारी मोटी कतली है तो आप इसमें दो कट लगाइए। कैसे आपको दो कट लगाने हैं, इस तरीके से एक ये लगा दिया और दूसरा यहीं पर ये लगा। तो आप दो जगह इसको भर लेंगे, एक इधर से और एक इधर से, क्योंकि अगर मोटी पीस हुई और आपने इसमें ठीक से नहीं मसाला भरा तो ये फीका फीका सा लगेगा। तो ये तरीका भी हमने आपको बता दिया है। आपको बड़े बड़े पीसेस बनाने हैं तो उसमें कट आप बढ़ा लीजिए। हमने दो चम्मच बेसन लिया है, आप जिस हिसाब से बनाना चाहे, दो बैंगन चार बैंगन, उसी हिसाब से आप अपने मसाले का रेशियो बढ़ा लीजिए। तो इसको हम बिल्कुल गैस को धीमा कर देंगे, करीब इसको दो मिनट तक हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे बेसन को। बहुत लोग कहते हैं कि हम मसाला भरते हैं और बैंगन से या किसी भी चीज से मसाला हमारा निकल जाता है, तो उसका कारण यही है कि उसमें अच्छी सी बाइंडिंग नहीं होती है, इसीलिए हो जाता है। तो आप अगर थोड़ा सा बेसन डाल दीजिएगा तो आपकी इस बैंगन की बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी। खास तौर पर अगर आप रसेदार बैंगन भरवा बनाते हैं तो आप जरूर ऐसा कीजिए। और सूखे में तो चलता है, बर नहीं भी निकलता है। अगर आप धीरे से उसको चलाएंगे, उलट पुलट करके पकाएंगे तो बैंगन से नहीं निकलेगा, लेकिन रसेदार में अक्सर करके फिलिंग निकल जाती है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। थोड़ा सा बेसन डाल देंगे अगर आप, तो मसाला आपका बाहर नहीं निकलेगा। अभी जब छोटा वाला बैंगन आएगा तो हम आपको ग्रेवी वाला बैंगन भरवा बना के दिखाएंगे। अब आप गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए। जब हम मसाले डालेंगे तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे, क्योंकि ये जो पैन की गर्माहट है इसी में हमको मसाले तैयार करने हैं। इसके लिए हमें एक्स्ट्रा नहीं मसाला भूनना, नहीं तो मसाले में भुनी वाली खुशबू आने लगेगी। वैसे भी बनता है, अगर आप भून करके मसाला बनाना चाहें तो वैसे भी आप बना सकते हैं, उसके टेस्ट और इसके टेस्ट में अंतर हो जाए। अब आप मसाले देखिए कौन कौन से हम डालते हैं। ये हम चौथाई चम्मच हल्दी है और एक चम्मच पिसी हुई धनिया है। ये लाल तीखा वाला मिर्च है, आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। और ये चौथाई चम्मच गरम मसाला है। ये हमारा दो चम्मच ड्राई मैंगो है। जिस तरीके से आप खट्टा खाना चाहें उस हिसाब से आप डाल दें। ये कलर देने वाली देगी मिर्च है, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ना डालें। और ये हमारी सौंफ है, जिसको हमने बारीक पीस लिया है सिल पर। अगर इसमें डालते तो ये जो है इसमें आपको फिर पीसने में दिक्कत होती, या तो फिर आप मसाला पीसें दोबारा। तो आप जो मसाले नहीं है आपके पास पिसे हुए, वो आप पीस करके डाल सकते हैं इसमें। अगर आपके पास पिसे हुए हैं तो बहुत अच्छा है। और ये हमने आधा चम्मच जीरा पाउडर लिया है पिसा हुआ,
ये सब मार्केट में भी मिलता है, नहीं है तो आप घर में अपने पीस भी सकते हैं। थोड़ी सी हींग भी डालेंगे, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। सर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, नमक आपका कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये फीकी फीकी सी लगेगी सब्जी आपको। अब इसको इसी पैन की गर्माहट में ही हमको रेडी करना है, भूनना नहीं है, बस इसी में आपको जितनी इसकी गर्मी है उसी में आप इसको रोस्ट कर लीजिए हल्का हल्का। यदि आप डालना चाहे तो धनिया भी डाल सकते हैं हरी वाली, और ना डालना चाहे तो कोई बात नहीं है, तो ये भी इसी में सूख जाएगी भी। अगर आपको इसे स्टोर करके रखना है तो आप इसमें धनिया ना डालें और इसको ऐसे ही स्टोर करके रख लें, तो आपका कम से कम जो कुछ बनाने चलेंगी फटाफट निकालेंगी या बना लेंगी, बहुत टेस्टी बनता है। चाहे भरवा भिंडी बना लीजिए, चाहे भरवा कुंदरू बना लीजिए, बैंगन बना लीजिए, जो हमने मसाला रेडी किया है आप अगर इसको स्टोर करके रख लेंगे तो आप इसमें बहुत जल्दी से बना लेंगे। ये देखिए मसाला हमने रेडी कर लिया है और ये बैंगन पानी से निकाल करके रख लिए हैं। अब हम इस तेल से मिक्स कर सकते हैं, और या तो आप थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा पानी डाल करके इसको मिक्स कर लें, और पूरा भी पानी से आप मिक्स कर सकते हैं इसको, जैसी आपकी इच्छा हो। लेकिन आप सरसों का तेल कच्चा नहीं डालिएगा, नहीं तो आपकी सब्जी का टेस्ट बिगड़ जाएगा। तो इसको देख लीजिए आपको बैंडिंग किस हिसाब से चाहिए, तो थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिएगा, थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, तो इससे काफ़ी अच्छा इसका फ्लेवर हो जाएगा। और नहीं तो जैसी आपकी इच्छा हो, दोनों में कोई भी एक भी चीज़ डाल सकती हैं, थोड़ा सा टेस्ट लेकर के देख सकते हैं कि इसकी नमक और खटाई कैसी है। अगर कम ज़्यादा लगती है या आप ज़्यादा खट्टा खाना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा आमचूर और भी मिला सकते हैं। भुने हुए मसाले की खुशबू अलग रहेगी, ये मसाला भुना भी नहीं है और इसका कच्चापन भी खत्म हो गया है। ये हमारा मसाला बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है, अब इसकी हम फिलिंग करेंगे। देखिए हम कैसे भरते हैं इसको, ये देखिए इस तरीके से हल्का सा मसाला रख दिया। देखिए हम आपको सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप बहुत मसाला दबा दबा के इसको भरें, क्योंकि ये मसाला होता है चटपटा। यदि आप इसको बहुत भर देंगे दबा दबा के, फिर वो ऐसा लगेगा कि सारा मसाला ही मुंह में जा रहा है। तो कोई भी चीज है आप लिमिट में भरिए, जिससे कि उसका टेस्ट भी अच्छा रहे और खाने में भी दिक्कत ना महसूस हो कि अब हमने बहुत सारा मसाला भर दिया, फिर खाने में भी समस्या लग रही है, मसाला ही मसाला लग रहा है। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फटाफट कर लीजिए, कर रखा है तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरीके से हमारा सपोर्ट बनाए रखिए चैनल पर, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से हमारा चैनल ग्रो कर रहा है। तो इस तरीके से सारे बैंगन हम कंप्लीट कर लेंगे, और आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें, हमने अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप वहां भी हमारा सपोर्ट बनाए रखिए। देखिए ये जो दो लेयर वाला था उसको भी हम आपको बताए दे रहे हैं, इधर भी थोड़ा सा मसाला भरेंगे और थोड़ा सा इधर भी भर देंगे। ये देखिए, ये देखिए हमने भरकर रेडी कर लिया है। अब आपको एक काम और करना है, जब हमारे बैंगन भर जाएंगे तो उसके बाद जो थोड़ा सा मसाला बचा लेंगे तो उसमें इस तरीके से हमको इसे लगा देना है। ये बैंगन में जो पीलापन ऊपर आ जाएगा तो ये बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप ऐसे बनाएंगे तो कुछ बैंगन सफेद लगेगा, कुछ अलग अलग कलर में हो पाएगा। यही भी आप मसाला बचा पाते हैं, भूल जाते हैं, तो किसी भी बैंगन से थोड़ा सा मसाला ले लीजिए, निकाल लीजिए, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। तो ऐसे आप कर लीजिए। ये देखिए हमने बैंगन रेडी कर लिए हैं, अब चलते हैं गैस की तरफ, बनाते हैं इनको। इस तरीके से कोई भी हम पैन कढ़ाई कुछ भी ले लेंगे, अगर आपको अच्छा कलर रखना है तो आप लोहे की कढ़ाई ना लें, यदि आपको ऐसे ओरिजिनल कलर रखना है जैसे ये पीला है तो पीला ही रहेगा, तो आप कोई भी नॉन स्टिक या एल्युमिनियम की कढ़ाई ले लीजिए। इसमें कोई भी कुकिंग ऑयल डाल देंगे आप, सरसों का तेल जो भी आपको पसंद हो वो आप डाल सकते हैं। आपको जब तेल डालना है तो इस चीज का ध्यान रखें, ये हमने 2 टेबल स्पून ली है, बड़ी वाली जो 2 चम्मच होती है वो उनके बराबर लिया है। तेल अगर कम होगा तो सब्जी में मजा नहीं आएगा, और इतना भी ना डालें कि वो तेल अलग अलग दिखाई पड़े। फिलहाल आप तेल हिसाब से ही डालें, किसी के घर में कम खाया जाता किसी के घर में ज्यादा, हमने इस रेशियो से बता दिया है। इतने बैंगन के लिए आपको 2 टेबल स्पून चाहिए।
अभी तेल गरम हो जाए फिर हम इसमें डालेंगे बैंगन को। ये देखिए हमारा तेल अच्छे से गरम हो गया है। जब सरसों का तेल होता है तो उसको हम अच्छे से ही हमेशा गरम करते हैं जिससे कि उसका कच्चापन निकल जाए। अब थोड़ा सा इस टेम्परेचर को डाउन हो जाने दीजिए, नहीं तो बहुत तेज से तड़केगा जैसे ही हम डालेंगे। अब हम इसमें धीरे धीरे एक एक करके बैंगन डालेंगे। सारे बैंगन डाल देंगे इसमें, जितना बैंगन आ जाए उतना आप डाल सकते हैं। गैस की फ्लेम को धीमा ही रखिए, नहीं तो बैंगन जलने लगेंगे क्योंकि अभी इनको इन्हीं से पानी रिलीज होगा और इन्हीं से ये फ्राई होंगे। गैस की फ्लेम को आप धीमा ही रखें और इसको ढक दें इस तरीके से। अभी अगर अच्छे से ढक देंगे तो ये खुद ही बैठ जाएगा हल्का हल्का, तो ये कम होने लगेगा। आप बना ऐसे ही इसको ढका रहने दीजिए, बस 5 मिनट बाद इसको चलाना है। अब हम इसको देखते हैं। देखिए आपको हम एक चीज बता रहे हैं, जैसे आपके ये कढ़ाई भरी हुई है, आप नीचे से ऊपर बैंगन कैसे लेके आए ऊपर वाला नीचे, तो आपको हम एक तरीका बहुत ही इजी बता रहे हैं। आप क्या कीजिए, इस तरीके से रोटी बनाने वाला कोई भी चिमटा ले लीजिए, इस तरीके से इसको प्लेट में रख लीजिए। ये हम आपको बता दे रहे हैं जिससे आपकी परेशानी दूर हो जाए। अगर आपकी कढ़ाई बड़ी होगी तो उसी में उलट पलट जाएंगे, तो आप इनको पहले ऐसे निकाल लीजिए एक साइड से। अब ये जो नीचे वाला बैंगन है इसको ऐसे पलट दीजिए, ये देखिए, और एक साइड में कर लीजिए ऐसे, और ये वाला बैंगन आप लगा दीजिए इसमें। अगर एक दो बैंगन जो है आपके अलग हो जाते हैं तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि ये तो कि सब्जी है, थोड़ा बहुत तो इधर उधर होता ही है। कोई बैंगन ज्यादा नाजुक है तो वो अलग भी हो जाता है। देखिए इस तरीके से आप आराम से उलट दीजिए, फिर इसको बंद कर दीजिए। अब हम इसको देखते हैं इसकी क्या पोजीशन है। इसमें जब चटचटाहट की आवाज आने लगे तो आप समझ लीजिए आपके बैंगन बिल्कुल बनने वाले हैं। एक दो मिनट का और प्रोसेस रह गया है इसमें। देखिए इस तरीके से, ये देखिए आप, ये गोल्डन ब्राउन हुआ है। अब इसको पलट दीजिए, दूसरी तरफ से भी ऐसे हो जाना चाहिए। बस आपको बैंगन बन के समझ लीजिए तैयार है। देखिए अब सब में गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, ये देखिए इस तरह सारे बैंगन आपकी कढ़ाई में टच होने चाहिए। जब टच होंगे तब गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। ये तो बिल्कुल बनकर रेडी हो गए, बस एक मिनट और इनको बंद कर दीजिए। ये देखिए बनकर रेडी है। अब हम आपको सर्व करके इनको दिखाएंगे। ये देखिए हम सर्व कर रहे हैं इसको। बैंगन देखने में ही इतना सॉफ्ट है, तो जब आप खाएंगे ना तो ये बहुत ही सॉफ्ट आपको लगेगा और बहुत ही टेस्टी लगेगा। जितना हम लोग लंबा वाला बैंगन बनाते हैं उससे ये 10 गुना ज्यादा अच्छा है टेस्ट में। हम तो ये इसी को ज्यादा भरवा बैंगन बनाते हैं। अब इस ये जैसे आपकी डंठी लगी हुई है, अगर आपकी इच्छा हो तो आप हटा दें, लेकिन इसका भी अपना अलग एक टेस्ट है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप इसके साथ में दाल बनाए, चावल बनाए, कुछ भी बनाए, तो ये अलग ही अपना इसका एक टेस्ट है कि जब आप इसको बिना दाल के भी बनाएंगे और खाएंगे तब भी बहुत अच्छी लगेगी। आप देख सकते हैं इसको कि लंबे वाले बैंगन से और इस बैंगन में कितना अंतर है। तो अब जब आप बनाएंगे तभी इसका फर्क आपको मालूम पड़ेगा, इसके टेस्ट में अंतर मालूम पड़ेगा। तो प्लीज बनाइए और फैमिली मेंबर्स को खिलाइए, और कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी भरावा बैंगन की। थैंक यू सो मच।